नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले मोबाइल की जो बैटरी उसके फूलने के कारणों के ऊपर। अगर आप भी कुछ गलती करते हो, ये गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे बैटरी फूलने का सबसे मुख्य कारण होता है बैटरी को ज़्यादा चार्ज करना। हालांकि आजकल स्मार्टफोन्स का जमाना है, जब अपने आप बैटरी फुल चार्ज होती है तो चार्जर डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप। लेकिन कुछ पुराने स्मार्टफोन्स ऐसे भी हैं या कुछ पुराने फ़ोन ऐसे भी हैं जिनमें ये फीचर नहीं होता है। हम कई बार रात को जब सोते हैं तब फ़ोन को चार्ज लगा के सोते हैं कि सुबह मॉर्निंग तक हमें फुल चार्ज मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि वो एक या दो घंटे में चार्ज तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी बैटरी गर्म होती है और गर्म होकर वो फूल जाती है, बैटरी ख़राब हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अपने फ़ोन को उतना ही समय दें जितने में फुल चार्ज हो जाता हो, इससे ज़्यादा समय ना दें। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दूसरा चार्जर यूज़ करना। आजकल स्मार्टफोन्स में अलग अलग तरह के चार्जर आते हैं, कोई 15 वाट का, 20 वाट, 30 वाट, 60 वाट, मतलब पावरफुल चार्जर्स आते हैं जो किसी मतलब फ़ोन को 30 मिनट में चार्ज कर देते हैं। क्योंकि ये अलग अलग बैटरी के, जैसे 4000 mAh की बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी, उसके हिसाब से आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन को जल्दी चार्ज करने के चक्कर में किसी भी हैवी पावर वाले चार्जर को यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि अपनी बैटरी पर कुप्रभाव पड़ता है और उससे वो फूल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये बात को भी आप खास ध्यान रखें, जितनी mAh की आपकी बैटरी है, जितना जो चार्जर आपके फ़ोन के साथ में आए उसी को यूज़ करें या उससे मिलता जुलता चार्जर ही यूज़ करें। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है फ़ोन सही समय पर चार्ज ना करना। कभी हम लोग बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो 1-2% जब फ़ोन की बैटरी होती है तब उसको चार्ज लगाने भागते हैं, और जब क्या होता है वो चार्ज में लगा रहता है तब उसको वहीं खड़े खड़े काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैटरी डबल काम करती है, तो चार्ज हो रही होती है और दूसरा आपको वर्क दे रही होती है। इससे बैटरी पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, बैटरी जल्दी गर्म होती है, फूटने के चांसेस भी होते हैं, कई बार फूट भी जाती है बैटरी। तो अगर आप फ़ोन की बैटरी को चार्ज पर लगा रखा है, अपने फ़ोन चार्जर पर लगाया हुआ है, तो उसे उस पर काम ना करें, उसको 15-20 मिनट चार्ज होने दें। फ़ोन पानी में भीग जाने पर, कई बार क्या होता है कि हम लोग बारिश में भीगते हैं या फिर कुछ काम कर रहे होते हैं जिससे हमारे फ़ोन में नमी चली जाती है। कई बार हमारा फ़ोन गर्म हो जाता है तो हम सोचते हैं कि फ़ोन को जल्दी ठंडा करें, उसको कहाँ रख देते हैं, फ्रिज के अंदर या कोई ऐसी ठंडी जगह पर रख देते हैं, जिससे कि उसके अंदर नमी जाती है। नमी जाने से बैटरी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नमी जैसी जाएगी तो बैटरी, आप कोशिश कीजिए कि जब आपके मोबाइल में नमी चली जाती है तो उसके सूखने का इंतजार करें या उसको ठीक करवाने की कोशिश करें, चार्ज ना करें। अब सबसे बड़ी समस्या होती है भाई बैटरी फूल गई है, ख़राब हो गई, तो उसका क्या करना चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मोबाइल की बैटरी फूल गई है, ख़राब हो गई है, तो उसे बाहर किसी भी आम रास्ते पर ना फेंकें, खुले में ना फेंकें, क्योंकि आपके द्वारा फेंकी गई बैटरी जानवर खा सकते हैं, कोई बच्चा उसको यूज़ कर सकता है, यानी बच्चा उससे खेल सकता है, उसको चबा सकता है दांतों से। तब भी अगर आपकी बैटरी ख़राब होती है तो उसको ई वेस्ट में फेंकें या फिर कहीं गड्ढा खोद के गाड़ दें, उसको खुले में ना फेंकें, क्योंकि अगर किसी जानवर ने खा ली, उसके पेट में जाके फट गई, तो किसी की जान का खतरा हो सकता है। दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे कारण थे बैटरी ख़राब होने के, और बैटरी जब ख़राब हो जाए उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, मैंने इसके बारे में आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।